जय शिव शंभु भक्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अघोरी बाबा के अघोर शक्ति मंदिर हो टोटके के अंदर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि हम अपनी जो भी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको जल्द से जल्द प्राप्त करा सके हैं। भक्तों, चलिए भक्तों, आज हम आपको बताते हैं शक्तिशाली टोटका। चलिए भक्तों, आज हम जानते हैं सात लोगों से अपने दुश्मन का सर्वनाश करने का आसान टोटका विधि। अगर आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो इस टोटके से आप अपने शत्रु से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो और उसका सर्वनाश कर सकते हो, उसका सब कुछ बिगाड़ सकते हो आप इस टोटके के माध्यम से। भक्तों, यह टोटका बहुत ही शक्तिशाली है। सिर्फ आपको इसके अंदर सात लोगों की आवश्यकता होगी। सात लोगों से आप अपने दुश्मन का सर्वनाश कर सकते हो बहुत ही आसानी से। यह टोटका, हजारों लोगों ने इस टोटके का लाभ उठाया है, तो भक्तों आप भी उठाए। परंतु आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस टोटके का उपाय किसी भी गलत चीज़ में ना लें, क्योंकि ये टोटका एक बार सिद्ध हो गया तो समझो हो गया, फिर इसका कोई हल नहीं है। तो इसलिए आपसे निवेदन करना चाहेंगे, सोच विचार करके ये टोटका आप करें, परंतु किसी के गलत मकसद के साथ नहीं करना है। अगर आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए ही आप करें। बिना वजह हमें किसी को परेशान करने के लिए हमने ये टोटका नहीं बनाया है, क्योंकि ये टोटका बहुत ही शक्तिशाली है। इस टोटके के माध्यम से आप अपने दुश्मन का सर्वनाश कर सकते हो। तो चलिए भक्तों, आज हम जानते हैं इस टोटके की विधि, आपको इस विधि कैसे करनी है और अपने दुश्मन का सर्वनाश कैसे करना है। तो इसी के साथ ही भक्तों, हम आगे लेकर बढ़ते हैं वीडियो को। सबसे पहले भक्तों, आपको सात लोगों की आवश्यकता होगी और एक आसन की आवश्यकता होगी। आसन लगा के आपको पूर्व दिशा की ओर बैठ जाना है। नहा धो के स्नान जरूर कर ले। स्नान करके आसन लगा के आपको सूर्य देव के सामने बैठ जाना है, जहाँ से सूर्य आता है, तो वहाँ की ओर आपको मुँह करके बैठना है। और आपको अपने दाएं हाथ में सात लौंग लेनी है। सात लौंग लेने के बाद में अपने दाएं हाथ में मुट्ठी बंद कर ले। मुट्ठी बंद करके अपने शत्रु का चेहरा मन में पहले याद रखें। मन में चेहरा याद रखने के बाद में हम आपको जो मंत्र बताएंगे, उस मंत्र का उच्चारण आपको 11 बार करना है। मंत्र भक्तों, ध्यान से सुनना, यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। मंत्र कुछ इस प्रकार है भक्तों, ओम क्री क्री शत्रु सर्वनाश नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको 11 बार करना है। जैसे ही 11 बार जाप हो जाए, फिर आपको अपने शत्रु का 21 बार नाम लेना है, और 21 बार नाम लेने के साथ में 21 बार उस लौंग पे फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद में मुट्ठी खोल के एक सफ़ेद कागज़ ले ले, जिस पे अपना दुश्मन का नाम लिखना है, जिसका आप सर्वनाश करना चाहते हो, उसका नाम लिखे। नाम लिखने के बाद में आपको क्या करना है, उन लोगों को, उस साथ जो सफ़ेद कागज़ मैंने बताया है, सात लोगों को साथ में जला दे। जलाने के बाद में जो उनकी राख हो जाए, वो अपने शत्रु के घर के बाहर फेंक आए। ऐसे करने से आपका जो शत्रु है, वो आधे घंटे के अंदर अंदर में वो बर्बाद हो जाएगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। वो इस दुनिया से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और आपको अपने शत्रु से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह टोटका बहुत ही शक्तिशाली है और शक्तिशाली होने के साथ में बहुत ही सरल है। वैसे तो भक्तों, हमने इस टोटके के अंदर आपको टोटके की विधि भी बताई है, टोटके के अंदर हमने मंत्र भी बताया आपको कैसे सिद्ध करना है। इसके बावजूद भी यह आपसे किसी प्रकार टोटका नहीं हो पा रहा है, यह इसमें आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, यह आपसे किसी वजह से अभी आप टोटका नहीं कर पा रहे हो, तो हमने हमारे आपकी सुविधा के लिए हमारे गुरुजी के नंबर वीडियो में लिखकर उपलब्ध करवाए हैं। तो आप हमारे गुरुजी से संपर्क करके अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, गुरुजी से उससे बातचीत करके गुरुजी आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करके देंगे। भक्तों, एक बार जरूर संपर्क करें गुरुजी को। इसी के साथ ही भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभु।